हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइन रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल ब्राउन राइस। इसके लिए हम लेंगे आधा बाउल बीन्स कटी हुई, आधा बाउल फूलगोभी कटी हुई, आधा बाउल मटर, एक गाजर कटी हुई, एक प्याज कटा हुआ, एक आलू कटा हुआ, एक बाउल ब्राउन राइस, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच अदरक कटी हुई, एक चम्मच नमक। ब्राउन राइस को हम एक घंटे के लिए भीगने के लिए रखेंगे। हमने पहले ही ब्राउन राइस को एक घंटा भिगोकर रख लिया था। एक बर्तन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हमने 2 चम्मच डाला है। तेल को गरम करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तेल गरम हो गया है, अब हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे और इन्हें भूनेंगे। जीरा भुन गया है, अब इसमें हम अदरक डालेंगे, अदरक को भी भूनेंगे। अदरक हमारी भुन गई है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को भूनते हुए हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी भुन गई है, अब इसमें हम आलू डालेंगे। गोभी डालेंगे, गाजर डालेंगे, बीन्स डालेंगे, मटर डालेंगे। दो से चार मिनट तक भूनेंगे। सब्जियों को हमें 2-4 मिनट ही भूनना है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। सब्जियां हमारी भून गई है, अब इसमें हम ब्राउन राइस डालेंगे और मिक्स करेंगे। राइस मिक्स हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और नमक डालेंगे और इनको मिलाएंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। एक कप राइस में 2 कप पानी डालेंगे। डाइटिंग और शुगर वाले लोगों के लिए
ब्राउन राइस फायदेमंद होते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम करेंगे और ढककर 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, गैस बंद करेंगे और ढक्कन हटाकर चावल को देखेंगे। चावल हमारे बनकर तैयार हैं, सब्जियां भी हमारी गल चुकी हैं और चावल भी हमारे पक चुके हैं। ब्राउन राइस को अब हम सर्व करेंगे। ब्राउन राइस हमने सर्व कर दिया है, अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। पनीर लगाएंगे, हरा धनिया लगाएंगे, बनकर तैयार है हमारे वेजिटेबल ब्राउन राइस। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।